नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 29वें दिन की कथा, अध्याय 29 में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। ऋषि बोले, सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? तब सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु जी ने ले लिए थे। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को भार्या स्वीकार किया तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा। लक्ष्मी जी बोली, बड़ी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे करते हो? मेरा विवाह हो इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह कर दो, फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहां हो रही थी ऐसे आश्रम को देखकर दुखी होकर क्रोध कर बोली, हे ब्राह्मण, यहां पर वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो, सो बताओ तेरे योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और अभ्यागत का सत्कार होता हो तथा यज्ञ दान आदि होते हो वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता है वहाँ मैं नहीं बस पाती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति में कुशल, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाले रहते हों वहाँ मेरा निवास नहीं हो सकता। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार ना होता हो वह ही स्थान मुझे प्रिय है। जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराया धन चुराने वाले हों, पराई स्त्री से प्रीति रखने वाले हों वह स्थान मुझे अति प्रिय है। जहाँ गौवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर उदालक ऋषि बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी को बैठाकर उदालक ऋषि वहां से चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा तो स्वामी के त्याग के भय से दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी जी ने व्याकुल होकर विष्णु जी से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बहुत दुखी है, हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसे जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पधारे और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रहे, यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको यह स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प, धूप और दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेंगी। सूत जी बोले, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा और नारद जी और राजा प्रथु का संवाद का वर्णन किया है, अब और भी जो पूछो मैं कहूँगा। यह सुनकर
ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले। सब शांत चित्त होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह सब पापों से छूटकर भगवान श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय संपूर्ण।